मेरा फ्रेंड सो मिल मसाला कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम दही जमाने वाले हैं। दही जमाने का एकदम यूनिक और आसान तरीका लेके मैं आ जाई हूँ। यहाँ पर हमने तपेली में 1 लीटर फुल फैट वाला दूध लिया है। सारा दूध हम निकाल लेंगे तपेली के अंदर। यहाँ पर हमने 1 लीटर फुल फैट वाला दूध है जो हमने एक भगोने में खाली कर लिया है। अब मैं इसको गैस पे ऐड कर दूँगी और हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको धीरे धीरे इस तरह हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो दूध है वो तपेली में ना लगे। नॉन स्टिक की तपेली हमारी तो हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी मलाई है वो आजू बाजू चोट ना जाए। इसके लिए दो से तीन मिनट होने लगे और हमारे दूध पे अब्बाल आने की तैयारी शुरू है। आप देख सकते हैं इस तरह साइड से भी पूरी मलाई हम निकाल के इसके अंदर ही ऐड करेंगे। इस तरह हमको चलाते रहना है ताकि नीचे भी जो हमारी मलाई है वो ना लगे और ऊपर भी ना लगे। आप देख सकते हैं दूध में हमारे उबाल आने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट दूध को इस तरह ही उबलने देंगे धीमी आंच पे। अब आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है वो अच्छे से उबल चुका है। 2 मिनट हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ा हल्का ठंडा करेंगे। दूध को हमने ठंडा करने छोड़ दिया है। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम बंद है हमारा ताकि जो इसकी जो भाप है वो निकल जाए और हमारा जो दूध है वो कुनकुना सा रह जाए। हमारा दूध हल्का सा कुनकुना हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में खाली कर लूँगी। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। एक बाउल में हमें दूध निकाल लेंगे और थोड़ा सा दूध एक छोटे बाउल में निकालेंगे जिससे हम अमूल मस्ती वाला दही जो जमाएंगे इसको हम और 2 से 5 मिनट तक के 5 मिनट तक के और ठंडा होने देंगे जब तक कि हल्का गुनगुनाना हो जाए। आप देख सकते हैं तपेली में ज़रा भी दूध नहीं लगा था और एकदम बिल्कुल पॉश तरीके से हमने पूरा दूध जो है एक बाउल में सेपरेट कर लिया है। जो दूध हमारा मैं आपको चेक करके बता रही हूँ बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर जो हमने छोटे से बाउल में दूध निकाला था उसमें मैं अमूल मस्ती का दही ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच। अब इसको अच्छे से हम इसकी मदद से मिक्स करेंगे। इसका एक हम फाइन पेस्ट इस तरह तैयार कर लेंगे। एकदम इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह हम इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अमूल की जो 10 रुपीज़ वाली डिब्बी आती है उसका इस्तेमाल किया है। इसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद ये सारी चीज़ों को हम इसमें दूध में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वापस इसको हल्के हाथ से विश कर देंगे ताकि जो हमारा दही है वो अच्छे से जमे। अब इसको हम कवर अप करके 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर एक राउंड शेप का ऑयल पेपर काट लिया है। इसको हम हमारे जो बाउल है उस पर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कवर अप करेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर अप कर दिया है। यहाँ पर मैं 2 से 3 से फिर की मदद से राउंड बना दूँगी। आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा की जो भाप वो निकल जाए उसके ऊपर हम एक ढक्कन सेट कर देंगे इसको कवर अप करने के लिए। गर्मियों की सीज़न चल रही है। हम 3 से 4 घंटे इसको बाहर ही रखेंगे रूम टेम्परेचर पे और हमारा दही है जो अच्छे से जम जाएगा। कवर करने के बाद मैंने ऐसे एक प्लेट लिए और इसको हमने इस तरह उल्टी पलटा के रख दी। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा दही जो जम चुका है बिल्कुल भी हल्का नहीं है और कुछ भी पानी नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं तो मैं आपको उसको निकाल के भी दिखाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आपको उसको निकाल के दिखाने वाली हूँ। देख सकते हैं आप बिल्कुल भी पानी नहीं है।
दही एकदम बहुत अच्छा जमा है, बिल्कुल अमूल मस्ती वाला दही जमा है, कुछ भी पानी नहीं है और कोई भी प्रोसेस, एकदम परफेक्ट प्रोसेस से बना हुआ हमारा ये दही है। अगर आपको मेरी ये अमूल मस्ती दही की रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके मुझे भी आगे बढ़ने का मौका देना। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।